तो फ्रेंड्स ये है हमारा पान का सुखा नाला, मगर यहाँ पे पानी है फिलहाल क्योंकि गर्म दिन में यहाँ पे पानी आता है। विंटर का सीजन में एक्चुअली यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। सरप्राइज, ये देखिए हमारा सन कैन, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। तो फ्रेंड्स खोपा पहुँच रहा है, ये देखिए वेलकम टू खोपा टाउन। आइए आगे चलते हैं टाउन की ओर ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। उम्मीद करता है आप सभी अच्छे से होंगे इन बारिश के दिनों में भी। तो हमारे यहाँ पे जो बारिश का दिन चल रहा है वो कैसा चल रहा है उसी के लिए हम ब्लॉग बनाने के, आप लोगों को दिखाने के लिए ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके देखिए। एक्चुअली हम ये जो फिलहाल बैठ रहे हैं स्वामी के में, शायद हम खोपा टाउन जा सकते हैं, ये पास में ही है हमारा खोपा टाउन जो हम पहले रहता था, पास में है। मेरा दोस्त मिलेगा होगा वहाँ पे। तो दोनों का ये यहाँ का वहाँ का कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, नदी का हाल क्या है, वही आप लोगों को दिखाने के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए। बारिश शुरू होने से पहले हम एक्चुअली लकड़ी एक दिया उठा लिया था हम लोग के लिए, तो हो गया। इसके बाद से बारिश गिरना शुरू हो गया, लकी हम लोग लकड़ी उठा चुके हैं। तो बारिश तो रुक ही नहीं रहा अब तक अभी। ये मेरा चप्पल, मेरा घर का कुत्ता जो खा दिया इसको, तो इसको हम रफ यूज़ के लिए रखा हुआ है। हम दूसरा चप्पल एक ले लिया, इसको हम पहन के आते हैं अभी। तो ये रहा हुआ चप्पल, तो चलते हैं। हाँ एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे हम घूमेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में हम घूमने का जगह बहुत है, तो घूमेगा सोच रहा है तो कैमरा के लिए रुका हुआ है यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि हो गया डोंग विलेज ना, इंडिया का जो फर्स्ट सनराइज हो गया, चाइना बॉर्डर, वालोंग वार मेमोरियल, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब कि टूरिस्ट का घूमने का जगह और मेरा ब्लॉग बनाने के लिए ना। तो ये कैमरा तो बस सिंपल वाला कैमरा है जो घर का, हम लोग अपना मोबाइल जो यूज़ करते हैं घर में नॉर्मली जो, तो थोड़ा यूट्यूब के लिए अगर बनाए रहे तो थोड़ा अच्छा कैमरा से कर देगा बल्कि सोच रहा था, तो इसीलिए कैमरा के लिए रुका हुआ है। तो जगह अच्छा, जगह के लिए अच्छा कैमरा अच्छा होगा ना। तो ये सिंपल कैमरा हमको दिल नहीं है इसी से ब्लॉग बनाने के लिए, तो अभी के लिए सोच रहे कि थोड़ा डेली ब्लॉग ही बना लेगा टाइम पास घर में ये मोबाइल से, तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स ये है हमारा टाउन का सुखा नाला, मगर यहाँ पे पानी है फिलहाल क्योंकि गर्म दिन में यहाँ पे पानी आता है। विंटर का सीजन में एक्चुअली यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए इसका नाम सुखा नाला है। तो एक दिन दो दिन हो गया होगा, थोड़ा बारिश थोड़ा हल्का गिरा तो पानी थोड़ा सूखा हो गया। वैसे बहुत बड़ा पानी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है यहाँ पे, और जब धूप आता है तो हल्का सा पानी रह जाता है हम लोगों को गर्म दिन में नहाने के लिए बस थोड़ा सा, लेकिन विंटर सीजन में वापस पूरा सूख जाता है। तो देखिए यहाँ पे पानी भी है। फ्रेंड्स ये जितना आप क्वार्टर देख रहे हैं ये सब घर, सब मेडिकल का ही क्वार्टर्स लुक है, और ये बड़ा ऑफिसर्स लुक है, और ये मिडिल क्लास लुक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये है हॉस्पिटल, अंजा का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, आपको किसी दिन दिखा देगा हम। फिलहाल हम बारिश का दिन में आप लोगों को क्या चल रहा है वही दिखाने के लिए ब्लॉग बनाएगा बल्कि सोचा है, उसका हॉस्पिटल का बारे में सोचा है हम। एक या दो दिन या ना उतना दिन में अगर बारिश रुकता है तो हम बना देगा हॉस्पिटल का ब्लॉग। हमारा यहाँ का हॉस्पिटल बहुत सुंदर है, आप देख लीजिए पास से, मतलब कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा से रखा हुआ है हॉस्पिटल का कंडीशन जो, तो बाद में दिखा देगा आपको। हाँ तो फ्रेंड्स चिंता मत करिए, वो घर पे कोई आदमी नहीं रहता था, बोलना ठीक होगा कि नहीं होगा, मगर जो हाईवे का पैसा मिलेगा, बल्कि कोई कोई लोग समझता होगा हाईवे का पैसा मिलेगा बोलने से कैसे घर बनाया होगा, कि वोला घर है, आदमी रहने वाला घर नहीं है, बस वही समझ लीजिए। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स आपको एक जगह बहुत एक्साइटेड है हम दिखाने के लिए, बहुत खूबसूरत सा जगह है, व्यू पॉइंट हमारा स्वामी कैम्प का, जो मेरे पिछला ब्लॉग में हम बोला था कि अगर हम खोपा टाउन जाएगा तो आप लोगों को जरूर दिखाएगा, ये वो आ गया है। तो सरप्राइज, ये देखिए हमारा स्वामी कैम्प, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। ये देखिए छोटा छोटा घर, रंग बिरंगे कलरफुल वाला घर है हमारे यहाँ पे, देखिए साथ में व्यू नेचर, देखिए नेचर कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स वो जो खाली एरिया देख रहे हैं आप जो ना, ये यहाँ पे ये जितना है, वो पिछला ब्लॉक में हम जब आया था दो दिन पहले, तो ये पूरा पानी से ढका हुआ था, तो अब पानी हल्का हुआ है, तो बारिश हल्का हुआ है, तो पानी जगह खोल गया वापस। आप देखिए वहाँ पर गाड़ी भी आ रहा है, वो देखिए ट्रक भी आ रहे वहाँ पर, वो देखा। और ये रहा हैंगिंग ब्रिज, वहाँ पे कोई लोग चल रहे हैं, हम इस हैंगिंग ब्रिज में जाके आया था। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा जो अंजा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है पानी का वजह से,
कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, कोई फ्लड्स नहीं आया, ना पानी तो भरा था, नॉर्मली भर के नॉर्मली अब तक है, अब तक तो नेचर तो हमारा साथ है, कोई तकलीफ तो नहीं किया हुआ है। मगर हर कोई शहर इतना लकी नहीं होते ना। हमसे जो पहला शहर है तेजू बोल के, वहाँ पे बहुत सुना है कि बहुत तबाही मचा है, और सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि पूरा पानी जहाँ आदमी रहने वाला जगह तक पानी आ गया और पानी पूरा लेके जा रहा है वहाँ तक। तो उनके लिए हम लोग कुछ तो नहीं कर सकते, मगर आप लोग सकने से ना थोड़ा प्रे कर दीजिए। हम लोग तो कुछ तो नहीं कर सकते, हम लोग बस दुआ कर सकते हैं ना कि ऐसा सही ठीक हो जाए उनके, तो मदर नेचर उन पर रहम करे ना, क्योंकि हम लोगों का अंजाव डिस्ट्रिक्ट का ऊपर जैसे किया उनका ऊपर भी अच्छी तरीके से ज़्यादा तबाही ना लाए, क्योंकि तकलीफ़ होता है ना हर किसी को, हम सभी को, वही है। तो फ्रेंड्स व्यू पॉइंट से तो निकल गया, अभी खोपा पास में ही है, एक्चुअली खोपा का सामने में है हम जो, तो खोपा में क्या चल रहा है देख के आते हैं। साइन बोर्ड थोड़ा पुराना हो चुका है, ईस्टर्न मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे इंडिया का सबसे पहला स्थान है ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट ना। तो फ्रेंड्स खोपा पहुँच रहे हैं, ये देखिए वेलकम टू खोपा टाउन, आइए आगे चलते हैं टाउन की ओर ना। हमको ब्लॉग बनाना था एक्चुअली, हमको बाइक में बैठ के गाड़ी में बैठ के ब्लॉग बनाना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमको पैदल चल के कहीं में ना चाहे कोई भी जगह हमको पैदल चल के ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ कहीं दूर दूर जगह जाना हो तो अलग बात है, तो हम पैदल आए, मेरा वहाँ से यहाँ तक कम से कम 2 किलोमीटर पूरा होगा कि नहीं होगा, 2 किलोमीटर के आसपास ही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो खोपा टाउन में यहाँ पे एक्चुअली हाईवे यहाँ से जा रहा है, हाईवे बना के, तो आप कंडीशन देख सकते हैं इसीलिए, तो ये रोड का कंडीशन इसीलिए ऐसा ही है, ये देख लीजिए आप, और ये पहाड़ देख देख के बड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है ये पहाड़ का, अपना जगह अपना घर ना। फ्रेंड्स गर्म दिन का रेनी सीजन है, इतना बारिश है, मगर थोड़ा सा अप चला तो इतना पसीना पसीना जैकेट सैकेट खोलने का मन कर गया। हाँ तो फ्रेंड्स वेलकम टू खोपा, यहाँ पे भी सब ठीक ठाक ही हालचाल है। हम सोचा था यहाँ का ब्लॉग बनेगा हल्के, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में बना देगा, तो ये ब्लॉग को सिंपल से रखिएगा, यही तक ही रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके जाना मत भूलिए, प्लीज़ आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये देखिए किस व्यू खोपा टाउन का, और देखते हैं अभी कौन सा किस दोस्त का घर जाते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में शायद हम खोपा का ब्लॉग बना देगा आप लोगों के लिए, अगर मौसम क्लियर होता है तो। गुड बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को।